एक तरह से कटआउट निकाल लें। कटआउट क्यों निकाल लें? क्योंकि जब मैंने ये इमेज देखी तो मुझे इसकी बाउंड्री जो थी ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी। जो पैनकेक की फ्लो है, पैनकेक का जो कर्व्स है, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस पैनकेक का कटआउट निकालूँ। कटआउट कैसे निकालेंगे हम? क्लिपिंग मास्क करके। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ ट्रेस। जब मैं ये सब ट्रेसिंग कर लूँगी और डिटेल में उसकी मैंने सारी जो बाउंड्री है उसको कवर करना है इस वाइट पेन टूल से। तो जब मैं ये कर लूँगी उसके बाद मैं क्लिपिंग मास्क करूँगी। क्लिपिंग मास्क क्या होती है? जब आप एक इमेज को एक पाथ के ऊपर सॉरी एक पाथ को एक इमेज के ऊपर रखते हैं और फिर राइट क्लिक करके उसको मास्क कर देते हैं। तो मास्क का मतलब है उसको छुपा देते हैं जो कि उसका एक्स्ट्रा एरिया होता है इमेज का। तो मैं एक्स्ट्रा एरिया जो है अपनी इमेज का छुपा दूंगी पाथ बना के, इसको क्लिपिंग मास्क कहते हैं। और अभी मैं जो हूँ वो थोड़ी सी वो जो डिटेल्स होती हैं जहाँ पे मुझे बैकग्राउंड का वो जो ब्लूइश पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको मैं ठीक कर रही हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद जब मैंने ठीक कर ली अपनी बाउंड्रीज और थोड़ा सा एंकर पॉइंट को ठीक कर रही हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, समटाइम्स इट वर्क समटाइम इट डजेंट, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी बस पेन टूल चला, आपने देखा कि मैं बहुत फ्लो में चला लिया और उसमें बाद में अगर कुछ चेंजेस हैं तो बाद में कर लिए, एक दफ़ा बस आप फिगर बना लें सुकून से। उसके बाद जो है मैं वहाँ यहाँ पे टेक्स्ट लिख रही हूँ जो कंटेंट मेरे सोशल मीडिया पे जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया है कि आपका जितना ज़्यादा टेक्स्ट होगा उतनी ज़्यादा आपकी सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो कम इंगेज होगी। जितना जितना कम टेक्स्ट होगा और विजुअल ज़्यादा होगा उतनी सोशल मीडिया पोस्ट आपकी ज़्यादा इंगेज होगी। तो अभी मैंने जो शेप बनाई है उसको मैंने कॉपी बना के रिफ्लेक्ट कर दिया है और उसमें कलर ऐड कर दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है ये भी आपको खुद ही समझ आ जाएगा जब आप वीडियो को आगे देखते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इसको इस तरीके से अपनी इमेज के साथ अंदर बैक सेंड टू बैक करके उसको अंदर लेके जा रही हूँ। और अब मैंने अपना टेक्स्ट जो है वो अपनी पाथ के ऊपर जिसको मैंने ब्राउन कलर दिया हुआ है उसको मैंने उसके ऊपर रख लिया। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ कि मैंने जो फॉन्ट चूज़ किया है वो फॉन्ट है गिलरो। तो गिलरो मैंने अपना फॉन्ट चूज़ किया है GILROY। मैं इसका लिंक दे दूंगी। फॉन्ट चूज़ करने का मकसद ये है कि ये एक सैंस सेरिफ फॉन्ट है। जो टेक्निक अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ वो सैंस सेरिफ में ज़्यादा चलती है और उसमें रीडेबिलिटी भी ज़्यादा खराब नहीं होती। एट दिस पॉइंट आप जब सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो अपना जो फॉन्ट है उसको आपने ऐसे चूज करना है जिसमें बोल्ड और इम्पैक्टफुल हो। ठीक है, बोल्ड और इम्पैक्टफुल हो। बोल्ड और इम्पैक्टफुल आपका फॉन्ट नहीं होगा तो फिर आपके फॉन्ट की रीडेबिलिटी जो है वो खराब होगी। अब कैसे पता चलेगा बोल्ड और इम्पैक्टफुल फॉन्ट्स कौन कौन से हैं? गूगल पे जाएं, वहां लिखें बोल्ड फॉन्ट्स, वहां लिखें क्लीन फॉन्ट्स, वहां लिखें सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, आपको ये सारे फॉन्ट्स वहां पे मिलेंगे। फॉन्ट्स फॉर सोशल मीडिया ये भी लिखेंगे तब भी आपको वहां पे फॉन्ट्स के नाम मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं गिलरोय यूज कर रही हूँ क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर मैं इसको डिस्टॉर्ट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं उसको डिस्टॉर्ट कर रही हूँ उसके पॉइंट्स पकड़ पकड़ के, लेकिन फिर भी उसकी रीडेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि जो एनाटमी है फॉन्ट की वो बहुत थिक है। आपने ऐसा फॉन्ट चूज नहीं करना इस टेक्निक के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ। इस टेक्निक को कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग मैं कर रही हूँ और इस टेक्निक में अगर आप पतला सा फॉन्ट चूज कर लें या मतलब सेरिफ फॉन्ट चूज कर लें जिसके ऑलरेडी एजेस और पतले होते हैं और मोटे होते हैं उसकी सारी रीडेबिलिटी खराब हो जाएगी। बट एज यू कैन सी कि मैं योर का वाई ओ जी का टी भी मैंने हल्का सा यूं बाहर निकाल दिया नेगेटिव स्पेस में, तो वो बिल्कुल भी उसको बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं आ रही है टेक्स्ट में। तो फॉन्ट जब आप चूज कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के लिए तो आपने ये याद रखना है कि आपका
आपके फॉन्ट की रीडेबिलिटी किस तरह की है, वो उसकी एनाटमी चौड़ी है, उसकी एनाटमी चौड़ी का मतलब है वो बोल्ड फॉन्ट है, उसके काउंटर्स बड़े हैं या काउंटर्स छोटे हैं। अब गिलरोय का ब्लैक वर्जन भी था, मैंने ब्लैक वर्जन क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि जो ब्लैक वर्जन था ना उसमें काउंटर्स जो थे ना, काउंटर्स होते हैं ये जो बीच का एरिया, बी के बीच में जो एरिया है, ए के बीच में है, ओ के बीच में, ये काउंटर जब स्मॉल हो तो उसकी रीडेबिलिटी खराब होती है। लेकिन आप देख रहे हैं मैं किस तरह से स्ट्रगल किए जा रही हूँ अपने डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए। इतना ज़्यादा मेरे पे प्रेशर है कि अगर ये सही नहीं बना तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और मेरी कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हैं, इट्स रियली इन टू दिस, एंड आई एम रियली मच मच टेंस्ड कि ये चीज़ निकलेगी या नहीं, क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन प्रैक्टिस नहीं किया। आपको लेक्चर में या आपको वीडियो में जो भी नज़र आ रहा है ये ऑन द स्पॉट नज़र आ रहा है। आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि आई एम एक्चुअली फिगरिंग इट आउट के हो क्या रहा है, कैसे करूँ, किस तरीके से हो सकता है। और फाइनली आई थिंक आई एम हैप्पी विद वट एवर आई डिड फॉर नाउ। मेरा जो प्रोसेस है काम करने का वो ये है कि मैं एक एक जल्दी से एक रफ कट बना लेती हूँ। जब रफ कट मैं बना लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं उसमें अमेंडमेंट्स करती हूँ। मैं कभी भी परफेक्शन से शुरू नहीं करती हूँ, मैं हमेशा एक ड्राफ्ट बनाती हूँ, हमेशा से एक चीज़ रख के देखती हूँ कि ये चीज़ चल भी रही है, ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ऑनेस्टली इट टुक मी लाइक 42 मिनट्स, विच इज़ अ लॉट, बट 42 मिनट्स इसीलिए लगे क्योंकि मैं ये वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही थी। अदरवाइज मुझे इस पूरे प्रोसेस को बनाने में आई गेस 30 मिनट्स लगते। और अब मैंने एक दफ़ा बना लिया, तो अगर मुझे कोई क्लाइंट कहता है कि हमें सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी ब्रांड की चाहिए क्या, तो मैं ये टेक्निक यूज़ कर सकती हूँ। अब आपको समझ आ रहा है कि टेम्पलेट बनाने का मकसद क्या है, कि मेरे जहन में एक आइडिया आ गया है, लेआउट आ गया है, और उसके बाद मैंने बस उस पर अप्लाई करना है। तो शायद मेरा ख्याल है 15 मिनट लगे जब मैं किसी और के लिए काम करूँ। राइट नाउ आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द कलर्स, बट एज आई सेड कि मैं ड्राफ्टिंग पहले करती हूँ, देख रख रख के देखती हूँ चल भी रहा है या नहीं चल रहा, और फिर उसके बाद मैं उसकी आगे प्रोसेस में डिटेल्स ऐड करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने डिटेलिंग इस तरह से कि अपने टेक्स्ट का जो फ्लो है वो मैंने और ठीक कर लिया है। नाउ आई एम अगेन मेकिंग डिटेल्स इन माई बाउंड्री ऑफ द पेनकेक। पेनकेक की जो बाउंड्री है वो अभी भी नीट एंड क्लीन नहीं थी, क्योंकि मैं तो बस एक ट्राई कर रही थी कि कट आउट करेंगे तो कैसा होगा। उसी में अगर इतनी मेहनत कर लिया ना, तो बाद में आपका आप थक जाते हैं और फिर आपको लगता है कि ये तो चल नहीं रहा और मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। और मेहनत जब ज़ाया होती है या आपको ये फीलिंग आ रही होती है ये चीज़ आपकी नहीं चल रही, तो फिर डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर हम वहीं पे अपना काम आधा छोड़ देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इसीलिए मैं आपको ये एक टिप दे रही हूँ, अगर आपके जहन में कोई लेआउट बन रहा है, या तो उसको हाथ से पहले एक दफ़ा कॉपी पे एक स्केच कर लें कि मेरी इमेज आएगी, लोगो यहाँ आएगा, टेक्स्ट यहाँ आएगा, और फिर उसको बना लें, और या तो फिर इस तरीके से कर लें कि आप एक तरह से चीज़ें रख रख के देख लें और फिर फिगर आउट करें कि ये चल रहा है साथ या नहीं। अब मुझे फील हुआ है कि ये चल रहा है। अब देखिए मैं आपको, अब आप देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा डिटेलिंग में जूम इन करके जूम आउट करके मैं सारा इवन जो मैं पैनकेक की बाउंड्री बना रही हूँ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पैनकेक की बाउंड्री के उस पर बन रहा है, ताकि कोई ऐसी मिस्टेक ना रहे। ये तो हो गया हमारा डिटेलिंग पार्ट। डिटेल देने के बाद मैंने अपने इमेज को थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करने के बाद अब नाउ, क्योंकि आई डोंट जंप ऑन कलर्स फर्स्ट, आई मेक एवरीथिंग इन मोनोटोन, आइदर इन ब्लैक आइदर इन व्हाइट। तो मैं हर चीज पहले मोनोटोन में बनाती हूँ, मोनोटोन के बाद, मोनोटोन का मतलब है वन कलर, वन कलर में बनाती हूँ, वन कलर के बाद आई ट्राई टू एक्सप्लोर एंड सी हाउ कलर रिएक्ट्स विद द इमेज। ऑब्वियसली इमेज के साथ कलर अच्छा लगेगा तो ही हमारा आर्टवर्क भी अच्छा लगेगा। तो ब्राउन और मस्टर्ड या ब्राउन और येलोज के साथ मैं, जो होता है कन्वेंशनल कलर है, मैं उसी के साथ जा रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, तो मैं वो वाली टेक्निक कर रही हूँ जो मुझे
पसंद भी है और मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देती है। एंड यस, दिस टेक्निक वर्क। वो फील दे रहा है जो मेरे दिमाग में बन रही है। आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने ओनली फॉर 99 और ये सारे कंटेंट पहले से लिख के रखा हुआ है, और अब मैं फिगर आउट करूंगी कि मैं सारे कंटेंट को कैसे प्लेस करूं। यहाँ पे आता है आपका जो इम्पोर्टेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल है, विच इज़ सॉरी डिज़ाइन एलिमेंट है, विच इज़ कॉल्ड स्पेसिंग। तो अब मैं स्पेस को यूटिलाइज, अब मैंने एक चीज़ लॉक कर ली है। आपके डिज़ाइन की जो सबसे बड़ी टिप है वो ये है कि आप अपने एक किसी आर्टवर्क को लॉक कर लें उस जगह पे, और उसके अराउंड जो स्पेस है उसको प्ले करें। अगर आप हर चीज को हिलाते रहेंगे तो आप कभी भी एक एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। तो मैं अपने पैनकेक को और गेट योर ब्रेकफास्ट को मूव नहीं करूंगी। ये मेरा फिक्स पिवट पॉइंट है। अब इस पिवट पॉइंट के अराउंड मैं अपने बाकी टेक्स्ट को प्लेस करूंगी, एंड लेट्स सी कि मैं किस तरह से प्लेस करती हूँ। मैंने उस टेक्निक को बिल्कुल छोड़ दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉर्नर्स पे, बॉर्डर साइड पे कोई ऐसे शेप बनाऊं, आर्बिट्री शेप जिसको कहते हैं, कोई भी मतलब रैंडम सी कर्व शेप बनाऊं, और उसको मैं विद इन दैट कलर, मस्टर्ड कलर में रखूं, और वो शेप फ्लो मेरे टेक्स्ट के फ्लो के साथ अलाइन हो रही हो। अगर वो अलाइन नहीं होगी तब वो पथेटिक लगेगी, वो बहुत बुरी लगेगी, और वो मेरे सारे डिज़ाइन को ख़राब कर देगी। तो अब मैं उस शेप को बना रही हूँ और उसको मैं रिपीट करूंगी ऑन द अबव कॉर्नर एज वेल। अभी मैंने इस शेप को बनाया है, अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक करती हूँ और थोड़ी डिटेल ऐड करती हूँ। तो डिटेल ऐड करने के बाद हे यू गो, आई कंप्लीटेड माय शेप एंड आई पुट माय लोगो एट द राइट बॉटम, जो कि हमने पिछले लेक्चर में लोगो यूज़ किया था, इंस्पिरेशन लेके बनाया था। ऑब्वियसली इस लोगो में मसले थे, मसले हैं, लेकिन जस्ट फॉर टीचिंग पर्पस आई थिंक इट्स अ गुड लोगो। मसला ये है, ये जो लोगो है ये मेरे आर्टवर्क की फील के साथ नहीं जा रहा। तो मैंने मैंने दो ऑप्शंस बनाए थे लोगो के, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज कर लूँ। नाउ आई विल गो ऑन फ्री पिक, और फ्री पिक पे वो जो बैजेस होते हैं ना कॉल टू एक्शंस वाले, वो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, जो कि मुझे लगता है मेरे आर्टवर्क के साथ जा रहा है, जो उसकी फील मेरे आर्टवर्क के साथ जा रही है। तो फ्री पिक इज अ बेस्ट रिसोर्स वेबसाइट फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स एंड स्पेशली फॉर दोज हु वॉन्टेड टू वर्क, स्पेशली फॉर दोज जिनका काम जल्दी 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 करना होता है, उनको हर 10 मिनट में एक पोस्ट बना के देनी होती है। तो फ्री पिक इज द बेस्ट रिसोर्स। जो लोग फ्री पिक से एग्जैक्टली डिज़ाइन को कॉपी करके उसमें सिर्फ टेक्स्ट प्लेस कर देते हैं, आई विल इनकरेज देम कि वो इस तरह से किया करें कि एलिमेंट्स उठाया करें फ्री पिक से, और उस एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करके खुद अपना डिज़ाइन बनाया करें। इस तरह आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी एक्सप्लोर हो रही है, और आपका डिज़ाइन देख के कोई ये नहीं कहेगा कि हमने ये फ्री पिक पे देखा है। आपने देखा है कि मैंने फॉन्ट अपना गिलोई रखा है, इटैलिक्स में कर दिया है, लेकिन अगेन समथिंग इज नॉट ओके, सो लेट्स फिगर इट आउट कि क्या चीज़ सही नहीं है। मुझे ये लोगों का जो सर्कुलर फील है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक और शेप आ गई है जो कि मैंने फ्री पिक से ली थी। फ्री पिक से जो मैंने बैज लिया था, वो बैज का जो शेप है और जो मेरे लोगों की शेप है तो वो दोनों सर्कुलर फॉर्मेट में, और वो एक कैनवस पे दोनों एक जैसी शेप सही नहीं लग रही, एक फ्लो वाली शेप सही नहीं लग रही। तो इस पॉइंट पे मैं यही सोच रही हूँ कि पहले तो मैं बैज की जगह फिट करूँ। बैज की जगह फिट करने के बाद मैं अपने लोगों को फिलहाल हटा दूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ऑर्डर नाउ का भी टेक्स्ट देना है, मुझे भी उसकी स्पेस भी डिफाइन करनी है। पहले तो मैं सोच रही थी कि हाथ से लिखूँ, लेकिन हाथ से वो चला नहीं, तो अब मैं लिख रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी फॉन्ट में ही लिखूँ जो कि हैंड रिटन फॉन्ट हो। हैंड रिटन फॉन्ट में पर बाय डिफॉल्ट तो इस वक्त कोई नहीं था सही जो फॉल करे इस कैटेगरी में, लेकिन फिर मैंने द फॉन्ट डॉट कॉम इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वेबसाइट फॉर फॉन्ट्स डाउनलोड। वहाँ पे मैंने ब्रश की कैटेगरी सेलेक्ट की है, ब्रश स्क्रिप्ट के अंदर आता है, और मुझे हैंड रिटन ही चाहिए था, तो मैंने यहाँ से एक फॉन्ट डाउनलोड किया है जिसका नाम है ओलिवियर।
ओलिविया मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया और मुझे ओलिविया का फ़ॉन्ट बहुत अच्छा लगा है। इवन इवन दो अगर आप इसे इसको नोट करें कि मेरा जो पैनकेक का जो साथ जो टेक्स्ट है गेट योर ब्रेकफास्ट का फ़ॉन्ट इट्स वेरी स्ट्रेट एंड इट्स मतलब इन जनरल इट्स वेरी स्ट्रेट एंड रिजिड, लेकिन उसको जो मैंने रैप किया था उसके बाद उसमें फ्लो आ गया। वो फ्लो जो है मुझे ऑर्डर नाउ के टेक्स्ट में भी चाहिए था। ऑर्डर नाउ के टेक्स्ट में जब मैंने वो फ्लो मैं लेकर आई हूँ तो अब मुझे लगता है कि दोनों फॉन्ट्स आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ यू हैव सीन कि मैंने कॉफी टाउन का अपना जो लोगो है वो दूसरा वाला रख लिया है क्योंकि वो बिल्कुल भी इस आर्टवर्क के साथ नहीं चल रहा था। अगर आपके क्लाइंट का लोगो वो है और आपका डिज़ाइन इस तरह का है तो आप यूज़ कर लें, लेकिन आप अपने क्लाइंट को इनक्रेज कर सकते हैं कि मैं आपका लोगो भी डिज़ाइन कर देता हूँ, रीडिज़ाइन कर देती हूँ ताकि वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ अच्छा लगे। जो जो लोगो सर्कुलर फॉर्मेट में पहले मैं लगा रही थी वो फ्लेक्सिबल लोगो नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है इसलिए वो सोशल मीडिया पे इतना मज़े का नहीं लग रहा। लोगो शुड बी फ्लेक्सिबल ताकि वो सोशल मीडिया पोस्ट हो, ब्रोशोर हो, पोस्टर हो, वेबसाइट हो, वो कहीं पे भी हो तो वो अच्छा लगे। अब आप देखें कि मैं ऑर्डर नाउ को जो है स्पेस के अंदर प्लेस कर रही हूँ कि स्पेस में ऑर्डर नाउ का जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से अच्छा लगेगा। मैंने गलती से ना पीछे वाली जो शेप है उसको गलती से ही एकदम से बड़ा कर दिया और वो बड़ा करने के बाद मुझे वो अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बैकग्राउंड में भी आ रहा है, वो पैनकेक को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और एक फ्लो बन रहा है। तो वो जो शेप थी उसके ऊपर उसको मैंने स्ट्रोक में कर दिया है। स्ट्रोक में करने के बाद अब मैं एक गंदे डिज़ाइनर की तरह अपने काम को बिगाड़ रही हूँ और उसमें मैं क्लटर और टू मच हैपनिंग वाला काम कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा डिज़ाइन क्लटर हो रहा है। मैं इंस्टिंक्ट के साथ गई हूँ और मैंने अपने क्लटर डिज़ाइन को जो है वो डिलीट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है और मैंने जो एक्स्ट्रा लाइंस बनाई थी उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर चुकी हूँ। नाउ आई डोंट नो, आई जस्ट वॉन्टेड अ बेस, आई वॉन्टेड समथिंग एट द बॉटम। मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा है और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी भी तरह से इस लाइन को जो है वो ओनली 99 पे जाके उसको लिंक कर दूँ। लेकिन एक डिज़ाइन जब आप बनाते हैं तो आप उसकी वेरिएशंस बनाते हैं, तो जब आपका एक डिज़ाइन लॉक हो जाता है ना उसके बाद आप उसकी वेरिएशंस जब बनाते हैं या वेरिएशन जिस तरह बनाते हैं कि आपने लोगो राइट पे रख के देख लिया है, लेफ्ट पे रख के देख लिया है तो इसकी दूसरी वेरिएशन, तीसरी वेरिएशन में आप लाइन हटा दें, चौथी वेरिएशन में आप लाइन रख दें, कलर्स इन्वर्स करके देख लें और टेक्स्ट को बड़ा करके देख लें थोड़ा सा। फ़ोन नंबर वेबसाइट की ज़रूरत नहीं होती सोशल मीडिया पोस्ट में, मैंने ये रखा हुआ इसीलिए था ताकि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा देखें कि अच्छा मैंने नंबर डाला हुआ है, वेबसाइट भी डाली हुई है। ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके कैप्शन में जाती हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल तो रखा हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये नंबर है और सोशल मीडिया के पोस्ट के अंदर मैंने डाला हुआ है, बट इनिशियली आई सेड के लेस टेक्स्ट मोर विजुअल। तो आपके पास जब एक चॉइस है कि आप टेक्स्ट को कैप्शन में लिख सकते हैं तो आप सोशल मीडिया डिज़ाइन को क्यों ख़राब करें। तो मैंने अपने डिज़ाइन में से इन दी एंड नंबर वगैरह निकाल दिया था और मैंने उसके एक्सपोर्ट भी निकाल लिए। एक्सपोर्ट निकालने के बाद मैं एक और वेरिएशन बना रही हूँ, वेरिएशन बनाने के बाद मैंने इसको भी एक्सपोर्ट कर लिया है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको सब कुछ आपके सामने है और नाउ आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो के सीरीज़ बनाऊंगी मैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइंस की जो सीरीज़ है वो मैं आपको बनाऊंगी जिसमें मैं मल्टीपल कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। जैसे आज मैंने ब्रेकफास्ट को किया है, कल हम ट्रैवल को कर सकते हैं, परसों हम फैशन को कर सकते हैं। तो आपको हर सोशल मीडिया पोस्ट की कैटेगरी के मुताबिक चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, विजुअल समझ आने लग जाएंगे, फॉन्ट समझ आने लग जाएंगे और कलर समझ आने लग जाएंगे। तो ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लेक्चर्स के लिए। अभी मैंने फूड को फोकस किया है जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है, कभी मैं फूड को एक और फोकस करूँगी जिसमें मैं डिनर कर सकती हूँ। फूड में इन जनरल हम देसी कर सकते हैं, फूड इन जनरल कैटेगरी मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम एक्सप्लोर
करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस, लेकिन आज की वीडियो में आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी डायमेंशंस क्या होंगी, आपकी डिज़ाइन एलिमेंट्स कैसे काम करेंगे, टू मच हैपनिंग हो रही है तो उसको रिड्यूस कैसे करना है, वेरिएशंस बना लें अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, जस्ट मेक वेरिएशंस, कंफ्यूज हो रहे हैं जस्ट मेक वेरिएशंस, एंड देन आस्क पीपल के आप लोगों से पूछें कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, लोग आपको बताएंगे, क्योंकि वो आप डिज़ाइन देख देख के इतना थक जाते हैं कि आपको लगता है कि अब सही है, अब सब कुछ सही है, लेकिन ऐसी कोई मिस्टेक नजर आ रही होती है अगले बंदे को जो कि आपको उस वक्त नहीं नजर आ रही होती, आपको ब्रेन उसको इररिलेवेंट कह रहा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो हमारा फोकस टोटली फोकस होगा कि हम फॉन्ट्स को किस तरीके से चूज करें, एक एक फॉन्ट में आपको लगा के दिखाऊंगी, और वो फॉन्ट जब आप लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये फॉन्ट जा रहा है या नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।